हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, बहुत नींद आ रही थी आज, तो बस लंच करके सो गए। अभी उठी हूँ और बस अभी मैंने एक फेस वॉश या क्लेंजर जो भी आपके पास हो सके मुंह धो लीजिए। मैंने एवॉन का फेस क्लेंजर यूज़ किया था, बस फेस को क्लेंज करके अभी आई हूँ। आज सुबह बहुत थक गई थी तो कोई वीडियो मैं अपने ब्लॉग में नहीं डाल पाई, तो अभी मैंने सोचा आज DIY डू इट योरसेल्फ कोई फेस पैक बनाते हैं और सेल्फ को पैम्पर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या मैं बना रही हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा DIY फेशियल फेस पैक बनाने जा रही हूँ, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए कुछ भी नहीं, घर में जो भी बेसिक चीज़ें पड़ी रहती है वही मैंने लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ नहीं, ये मैंने लिया है एक चम्मच दही, थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी, चंदन का पाउडर है इसमें, बेसन है, आटा है, चावल का आटा है, थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर है, कॉफी का पाउडर है, एक चम्मच दही, एक चम्मच हल्दी और ये डाबर हनी, ये थोड़ा सा स्क्वीज करके डाल दीजिए बस। और अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो रोज़ वाटर डालिए। मेरे पास रोज़ वाटर से अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी बस। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसे अब हम लगाएंगे। आप इसे हाथ की सहायता से लगा सकते हैं या तो ब्रश से लगा सकते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं। सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं जो आपके चेहरे को सूट कर जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको हार्म करे, कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं दी है। आपको सब कुछ पता है जे क्या क्या चीज़ आपके चेहरे, ये जो फेस पैक है ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन कोई भी लगा सकता है। और तो साथ में स्क्रब करते रहिए। आपके पास अगर एलोवेरा जेल हो तो वो भी इसे मिला सकते हैं, मैं आज डालना भूल गई। अगर इनमें से कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने डाली आपको भी वही डालना है। आप चाहे तो सिर्फ दही बेसन में भी हल्दी डाल के लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं कभी कुछ लगाती हूँ कभी कुछ लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक ही फेस पैक लगाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बहुत गर्मी हो रही थी और बस खाना खा के हम सो गए थे, उसके बाद मैंने सोचा कुछ पैम्पर किया जाए अपने आप को, इसलिए मैंने वाला लगाया। और इसको लगाने के बाद एकदम जब आप मुंह धोएंगे तो स्किन एकदम नरिश्ड और एकदम हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज और एकदम इंस्टेंट ग्लो दिखाई देता है, आपको खुद ही दिखाई देगा।
और जो फेस पैक बच जाए उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। उस फेस पैक को आपके घर के बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे कल भी यूज कर सकते हैं। ये फेस पैक आप बना के आराम से दो तीन दिन यूज कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, कभी अगर आपका ज्यादा फेस पैक बन जाएगा तो आप सोचेंगे कि अरे इसका क्या करूँ, इसे तो फेंकना पड़ेगा, इसमें इतना महंगा महंगा चंदन पाउडर बुलेटी पाउडर है, तो आप बिल्कुल भी इसे फेंके ना। अगर ज्यादा बन जाता है तो स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट में थोड़ा सा मसाज कीजिए, क्योंकि इसमें कॉफ़ी है तो कॉफ़ी आपको पता है इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। इसमें ऑरेंज पील पाउडर है, जो इंस्टेंट ऑरेंज पील पाउडर, लेमन ग्राइंड पाउडर यानी कि नींबू का छिलके का पाउडर, ऑरेंज पील माने संतरे का छिलके का पाउडर, कसूरी हल्दी है जो स्किन को लाइटन और ब्लेमिश फ्री करता है, दही जो आपके स्किन को लैक्टेज प्रोवाइड करता है, बेसन और दही के बेनिफिट्स तो आप जानते ही हैं। किचन में रहने वाली हल्दी आप यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपकी स्किन स्टेन हो सकती है, पीली पीली लगेगी। आप कसूरी हल्दी या अम्बा हल्दी यूज़ कीजिए, किसी भी साइट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो अमेजोन, नायका, purple.com, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगा आपको। इसे यूँ मसाज करने से आपके चेहरे में जो अनवांटेड हेयर है, कुछ लड़कियों को कुछ वेमेन को होती है, ऊपर की तरफ से कीजिए, तो जब आप मुंह धोएंगे तो वो हेयर भी धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी बॉडी से आपकी स्किन से हट जाएंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फेस क्लीन करके अच्छे से नरिश करके, मैं स्किन को, तब तक 5-10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। बाय बाय।